अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों ऊपर जा रहा हूँ और ऊपर मैं जब गया ना बग़ैर कैमरे के तो वहाँ ट्रेजेडी हुई पड़ी थी, तो आपको दिखाता हूँ क्या ट्रेजेडी हुई। जी दोस्तों, तो ट्रेजेडी क्या हुई है वो आपको दिखाता हूँ। ये है हमारा शेरू, ये बड़ा ज़ालम किस्म का है। इसकी अगर आप टांगों पे गौर करें, मैं ज़ूम करता हूँ तो ये देखें, इसकी टांगें जो है ना उस पर खून लगा हुआ है। ये बड़ा खूनी है, बहुत ही जो है ना, ये इसने आज एक ब्लंडर कर दिया है। क्या ब्लंडर किया है इस पर आपको दिखाता हूँ। देखें, ये पहले भी एक अदद मुर्गा ये आपको इस केज में नज़र आएगा, ये कबूतरों के साथ छोड़ा हुआ है, क्योंकि एक दिन ये इसके पीछे लगा हुआ था और ये इसको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन फिर हमने इसको अलग कर दिया, चलें दूसरों को। आज सुबह सुबह भी काफ़ी आवाज़ें आ रही थी, ऊपर मैं आया तो ये मार रहा था, लेकिन मैं ये समझ रहा था कि ये इसके काबू में नहीं आएंगे ये वाले जो मुर्गे हैं। लेकिन देखें इसने क्या कर दिया है। ओए होए होए, तो ये देखें जी, बड़ी सैड न्यूज़ है कि हमारे एक अदद मुर्गे को इसने मार दिया है और बेचारा वो जहाँ भग हो चुका है। नहीं, अभी इसमें रमक तो है, अभी इसमें वो हिल तो रहा है। जी, अभी मरा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये देखते हैं, मैं अभी इसको हलाल करवाता हूँ, बुलवाता हूँ भाई लोग को। तो दोस्तों ये अभी मुर्गा जो है वो ज़िंदा है, मरा नहीं है, बैठ रहा है, अभी ज़िंदा है, इसको देखते हैं। तो ये शायद उसने तो इसको मुर्दा समझ लिया था, लेकिन ये अभी ज़िंदा है, तो इसको देखते हैं, इसको हलाल कर लेते हैं, हालात इसके ख़राब। जी दोस्तों, तो मैंने इसको, अब ये ज़िंदा था तो इसको हलाल कर लिया, तो चलें। ये तो हुआ कि ये बच गया मरने से, तो चलें अब इसको खा लेंगे। तो उसने कहा आप खाते नहीं हो, मुर्गे ने कहा, सील ने, शेरू ने, तो फिर हमने आज खाना पड़ेगा, मजबूरन शेरू ने खिला दिया हमें। बिल्कुल इसका जो ना सर ज़ख्मी कर दिया था, और ये बेचारा, मैंने तो वो हिलाया तो वो हिल रहा था, उठ के बैठ गया, तो इसलिए चलें ये हलाल हो गया, हराम होने से बच गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों सुबह की ट्रेजेडी के बाद, जैसा कि आपको बताया था कि शेरू ने क्या किया था, हमारे मुर्गे को ऑलमोस्ट जहाँ भाग कर दिया था, लेकिन वो ट्रेजेडी थोड़ी कम हो गई, क्योंकि हमने क्या कर लिया था, हमने उसको ज़िबा कर लिया था। तो इस तरह चलें आज उसका हम गोश्त खाएंगे। तो अभी मैं और तलहा जा रहे हैं ऊपर, और हम देखते हैं कि ऊपर जाके हमारी मुर्गियों की क्या प्रोग्रेस है अंडों के बारे में, और साथ साथ में हम करेंगे हमारे जो मिनी बर्ड ज़ू है उसका विजिट। जी तो शेरू की, ये शेरू जा रहा है, इसकी बर्बरियत के बाद हमने क्या इकदाम किया है कि इसका ये टोकरा अंदर रख दिया है। रात के वक्त हम शेरू को इसमें जो है ना वो ढांप इसमें बंद कर देंगे, ताकि ये सुबह सुबह उठ के दूसरे मुर्गों पर हमला ना कर सके। तो सबसे पहले चलते हैं उस पॉइंट की तरफ जहां मुर्गियां अंडे दिया करती हैं, तो देखते हैं। जी यहां देखते हैं, तला इधर देखो ज़रा नीचे, कैमरे में तो कोई अंडा नहीं नज़र आ रहा यहां। जी लेकिन वो मुर्गा छुपा बैठा है मेरे ख्याल में, है ना जी, मुर्गा ही है ना, हाँ बैठा है, लेकिन यहाँ इस जगह पे भी नहीं है। तो इधर चलते हैं दोस्तों, इस तरफ से यहाँ भी अंडा दे देती हैं कभी कभी ये। तो ओ हो 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 हो, तलहा देखो भाई, यहाँ पे दो अंडे पड़े हैं, और ये मोटे मोटे अंडे, उठाओ ज़रा,
उठाओ तो मोटे मोटे दो अंडे तो दिए हुए हैं, 18 मुर्गियां हैं लेकिन अंडे दो ही हैं, बहर कैफ हम खाली नहीं गए तो दो अंडे तो इन्होंने दे दिए हैं। चलें दैट्स गुड, ये तो अच्छी न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ के बाद अच्छी न्यूज़ भी मिली। चलें अब हम कबूतरों वगैरह को खाना डालते हैं, तला आ जाओ अंदर, इनको ना ऐसा करो इनको रखो, कहाँ रखो, अभी इधर ही फ़िलहाल रख दो, तो फिर चलते हैं हम अंदर, अंदर वाला जो है ना सीन करते हैं। चलें जी ज़रा खोलें जी, ये हमारे लक्के कबूतर हैं जिनको मैंने छोड़ दिया है फ्री, और अब ये घर से दूर भी नहीं जाते हैं, तो कुछ कबूतर हमारे जो है ना वो इस चाली के अंदर हैं, उनका वो घर है। तो अभी आपको हम इंटीरियर ऑफ द मिनी बर्ड ज़ू का विज़िट करवाएंगे, और यार इसको बंद करना है, उस दिन यहाँ से ना वो निकल गई थी हमारी डव, तो चलें खोलो दरवाज़ा खोलो। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने बर्ड्स की तरफ, तो ये हैं जनाब खुमरे, ऑल टाइम आज़ाद, तो ये जनाब घूमते रहते, देखा वो बाहर चली गई, हमने बंद कर दिया, ये देखो अभी बाहर उड़ रही, अगर हम इसको जनाब खुला छोड़ देते तो ये भी फुर हो जाती जी। ये बड़ी चलाक है, इसकी साथी जो है ना वो निकल गई है, तो ये भी जल्दी से बाहर आई है, लेकिन हमने इसका इलाज किया हुआ था, हमने दरवाज़ा बंद कर दिया था। अरे बर्ड्स की क्या प्रोग्रेस है। तो जी जनाब ये हैं बचीज, तो बचीज के इसमें अंडे तो पड़े हैं लेकिन दो ही अंडे हैं, और पता नहीं अब ये, और ये नीचे फेंक देते हैं, पता नहीं इनको क्या गुस्सा आता है, क्यों नीचे फेंकते हैं ये अंडों को। वेर कैफ इनकी ज़ीरो प्रोग्रेस है, ये जो है ना वो हमारे हैं येलो रिंग नेक, तो येलो रिंग नेक भी जो है ना वो अभी तक कोई ब्रीडिंग प्रोग्रेस नहीं दिखा रहे, अभी बॉक्स में भी नहीं जा रहे, और ना ही ये अभी ब्रीडिंग दिखा रहे हैं। यहाँ ज़रा पकड़ो तो इधर लाओ, हाँ जी ज़रा इसको यहाँ लाओ, ये बैठी हुई है जो हमारी सबसे अच्छी और प्यारे जो है ना वो बर्ड है, क्योंकि इसने काफ़ी प्रोग्रेस दी, इसकी प्रोग्रेस ज़रा इधर दिखाना, ये देखो ये इसकी सारी औलाद है, आल औलाद है, तो इनको ज़रा जूम करके दिखाना प्लीज, ये इसकी सारे बच्चे हैं, एक जोड़ा लाए थे, तो माशाल्लाह से इसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, लेकिन जो हालांकि इसमें से दो तीन क्लच ज़ाया भी हो गए, फिर भी जो है ना ये जो चाइना डव है या डायमंड डव है या वाइट टेल डव भी इसको कहते हैं, इसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, तो इसको देख के बहुत प्यार आता है, क्योंकि इसकी प्रोग्रेस बहुत ही अच्छी है। उसके बाद ये घूमरे ऊपर बैठे हैं, कॉकटेल जो है ना ये इसमें है, तो कॉकटेल जो है ना इसके अंदर है, है ना वो ये जी इस उसमें बैठे हैं केस में, ग्रीन रिंग नेक का हमारा ब्रीडर पेयर है, ज़रा इधर से लाओ इस जाली में से इसको जूम करके दिखाओ, तो अभी तक ये भी इनकी भी प्रोग्रेस जो है ना वो बिल्कुल ज़ीरो है। ओह यार देखो इधर देखो, ये मेरा वायलट इन्होंने मार दिया यार, ये तो बहुत ज़्यादा कातिल किस्म के, पहले इन्होंने मेरा जो है ना वो मार दिया था येलो चेस्ट, और आज यार ओहो, तो यार ये क्या कर दिया इन्होंने, इस बेचारे को भी मार दिया, दो बड़े जो है ना मेरे फेवरेट जो लव बर्ड थे, ये देखो कितना प्यारा इसका कलर था, ये वायलेट था, तो वायलेट कलर का जो है ना, या इसको हम ब्लू फिशर कह सकते हैं, और ये ब्लैक मास्क था, ब्लैक मूव था, ये जो है ना इन जालिमों ने मार दिया, पहले एक येलो चेस्ट था वो भी मार दिया इन्होंने, अब इसको भी हलाक कर दिया, यहाँ पे जो है ना ये इनका केज है, तो ये यहाँ पे पड़ा हुआ था, तो
दोस्तों बड़ा जो है ना वो बैड फील हो रहा है मुझे रहेंगे तो ये यार ये बड़ा काम खराब है। कल का मेरे ख्याल में इन्होंने मार दिया, पहले तो फिर रहा था, मैंने इसको नहीं निकाला, मैंने सोचा कि शायद ये जो है ना वो उसको तो मार दिया है तो ये फिर रहा था आराम से, लेकिन जो है ना ख़राब किस्मत सुमई किस्मत कि ये जो है ना वो मार दिया, तो ये कम अज़ कम जो है ना वो बिग लॉस है, कम अज़ कम नहीं है, ये बड़ा बिग लॉस है। तो ये जो है ना वो कुछ कुन नहीं है, एक अच्छी खबर थी बल्कि दो अच्छी खबरें थी, हमारी मुर्गियों ने अंडे दिए हैं और हमारे जो है ना वो डव ने अंडे दिए हैं और कॉकटेल्स जो है ना वो बॉक्स के अंदर हैं, बाकी जो है ना वो कोई जो है ना वो प्रोग्रेस नहीं है। और दूसरा ऊपर से जो है ना सुबह मुर्गे ने जो है ना वो मुर्गा मार दिया ये शेरू ने, और अभी जो है ना देखा लव बर्ड ने अपने साथी जो है ना वो जो हमारा बहुत ही प्यारा वायलेट या ब्लू कलर का जो बर्ड था पैरट था वो उन्होंने मार दिया, तो दैट्स अ बैड न्यूज़। तो ओवरऑल बैड न्यूज़ है आज के व्लॉग में, तो बस अब दिल नहीं कर रहा आगे व्लॉगिंग करने को क्योंकि काफ़ी बुरी खबरें इसमें। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह।